संविधान को पूरी दुनिया सलाम करती है और वो संविधान को लिखने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर 26 जनवरी को लगाई जाती है। एक जज लगाने के बाद उसको निकालने की बात करता है तो उससे ये जाहिर होता है कि वो जज के दिमाग में कितना ह्यूमिलिएशन है। यहाँ पर संविधान के ज़रिए से यहाँ के मुल्क के तमाम सिटीज़न को हकूक मिला है, फंडामेंटल राइट मिला है। यहाँ पर उसी की बुनियाद पर वो जज वहाँ पर नौकरी करता है, पुलिस ऑफिसर नौकरी करता है, एसपी नौकरी करता है और यहाँ इस मुल्क का प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसी संविधान की शपथ लेकर वहाँ पर वो पोजीशन हासिल करते हैं। और वो जो संविधान लिखने वाले के साथ अगर वो तस्वीर अगर निकालते हैं तो वहाँ पर एक इंसल्ट की बात होगी, वहाँ पर अवमान की बात हो रही है। इसके खिलाफ हम कोई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का ऑर्डर रहने के बावजूद भी, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर रहने के बाद वहाँ पर लगाना चाहिए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज हैं तो उन्होंने कोई ऊपर से आने वाले नहीं है। इंसाफ करने वाले लोगों के दिमाग में इतना जहर अगर भरा हुआ है तो समझिए तो ऐसे और कितने सारे लोग वहाँ पर होंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि कल जो प्रोटेस्ट होगा तमाम मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से एक प्रोटेस्ट निकालेंगे गन से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, संविधान को मानने वाले कल इस एहतजाज में हाजिर होकर उस जज को एक जवाब देंगे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की तुम इंसल्ट करेंगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम रोड पे आएंगे। जो चाहे डिस्ट्रिक्ट जज रहने दो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने दो। रायचूरी नड़ीं अवहेलनकार घटने बे ना कड़ा खंडित ना अदन खंड अदूल ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತಾರೆ। ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬೋಧಿಸತ್ವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಘಟನಾವಳಿ ಏನು 26ನೇ ತಾರೀಕು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತ ಈ ದಿವಸ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗೋತ್ತಿಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ। ಆದರೆ ಅಪತ್ಯಾರ ಹೆಸರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜನ ಏನಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಾಗ ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ ಈ ದೇಶದ ಆನ್ ಬಾನ್ ಶಾನ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಎಂತ ಹೇಳಿದಾರ। ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರ ಜನರಿಗೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದದ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು। ಅವ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಮ ಅವ ಜಡ್ಜ್ ಗೌಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೌಡ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅವ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಮಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ಕೊಂಡು ಆಗಲಿಲ್ಲದ್ರೆ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀವಿ। 26 ಜನವರಿಗೂ ರಾಯಚೂರ್ ಮೇ ಜೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಹೇ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೌಡರ್ ಬಲ್ಕೆ ಓ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾ ಫೋಟೋ ಲಗಾ ಹುವಾ ತಾ ವೋ ನಿಕಲ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಮೈ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕರ್ತುಂ ಬಲ್ಕೆ ಉನ್ನು ಐಸಾ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಫಿರ್ ಬಾದ್ ಮೇ ಉನ್ನು ಆಕೆ ध्वजारोहण करके ये कहे सो है ये बाबा साहब का जितने भी लोग हैं संविधान को मानने वाले लोग हैं उन लोगों को अपमान हुआ है। तो कर्नाटक गवर्नमेंट का तरफ से ऑलरेडी ऑर्डर है बाबा साहब का फोटो लगा के ध्वजारोहण करना 26 जनवरी बोल के है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया वो गलत है। उनको तुरंत सस्पेंड कर डिसमिस करना और उनके ऊपर अट्रासिटी केसेस डालना करके अभी हमारे विट्ठल दोडमनी साहब के नेतृत्व में सारे संगठन के लीडर्स मिलके कल सुबह 11 बजे गंज से 11 बजे से लेकर प्रोटेस्ट है। वो डीसी ऑफिस को जाके और चीफ जस्टिस को, सीएम को और गवर्नर को भी मेमोरेंडम देने का इरादा है। इसलिए आप लोगों से तरफ से हम विनती करते हैं कि आपका माध्यम से तरफ से विनती करते हैं, ये मामला है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके वास्ते सीरियस है। सभी लोग ये वीडियो कोई भी देखेगा इसमें शामिल होने के लिए मैं विनती करता हूँ। पूरा देश में जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रही है, ये बीजेपी गवर्नमेंट जब आए जब से अत्याचार हो रहे हैं, इसीलिए हम गुलबर्गा तमाम बाबा साहब की भीम सेने को उसको विरोध करता हूँ। और एक कर्नाटक का सरकार क्या ये कर्नाटक सरकार बीजेपी सरकार है, वो सरकार में वो कोर्ट का ऑर्डर हो गया है
कोर्ट को ऑर्डर है तो भी वो कोर्ट का वहाँ कौन कानून का मंत्री रहता है, वो डायरेक्ट कोर्ट को आदेश करना चाहिए। इसीलिए या ऐसे जज एक मल्लिकार्जुन एक ही जज नहीं है, टोटली गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट हो या टोटली कर्नाटक में कहाँ भी कोर्ट में बाबा साहब का फोटो नहीं रखा गया है उसका हम कड़क हाँ गुलबर्ग की तरफ से हम उसका विरोध करते हैं। और यहाँ का गवर्नमेंट तुरंत ऑर्डर भेजना चाहिए, जुडिशनली भेजकर। और कल क्या प्रत्यक्ष होता है, हमारा बड़े बुजुर्ग नेता हमारे इट्टल दौड़मनी का नेतृत्व में अब टोटली गुलबर्ग के टोटली हमारे समाज भीम सैनिकों कल नगरी से बड़ा रैली है और रैली में हम सब लोग आना चाहिए। फिर मेरा प्रोटेक्शन है गुलबर्गा में, एक हमारा विनंती है कभी भी पुलिस को हम सपोर्ट करते आए, अभी भी पुलिस को हम करेंगे। हम कभी भी पुलिस का विरोध गुलबर्गा नहीं है। और कल कुछ भी बाबा हमको कुछ तो हो जाएगा, लेकिन बाबा साहब का अपमान करेंगे हमको किसको भी नहीं छोड़ेंगे, वो सरकार हो या कौन पुलिस हो उसको हम नहीं छोड़ेंगे बोल के हम कड़क इसके हिसाब से गवर्नमेंट को हम धिक्कार देते बोल के मैं मेरा समाप्त करता हूँ।